ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंतार्णम्, नमो सिद्धार्णम्, नमो आयिरियार्णम्, नमो वज्जायार्णम्, नमो लोये सर्वसाहूर्णम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणि, मंगलम कुंद कुंदायो, जैन धर्मस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्य, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। ये सब आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, सभी के लिए। यदि आपको कभी थाने नहीं जाना हो, जेल नहीं जाना हो, वकीलों के चक्कर में नहीं पड़ना हो, आप अखबार उठा के देखेंगे तो इतनी कमियां पाई जाती हैं, वे लोग उलझ जाते हैं। तो इन कमियों को आप अच्छे से समझ लीजिए। अभी इसका पेपर आ जाएगा 2-5 मिनट में, तो ये पेपर आपको मिल जाएंगे। इसमें अहिंसाणु व्रत में हमने एक भी बात और जोड़ी है आज, वो आपके पेपर में आ जाएगी। वो है खतरनाक मांझा। वो हमने अहिंसाणु व्रत में रखा है। खतरनाक मांझा समझ गए, चाइना, उस मांझा से कितने लोगों की हत्या हो चुकी, बच्चों के गले कट चुके दिल्ली में, वो कई जगह न्यूज़पेपर में कईयों बार आ गई। उस मांझा को उड़ाते हैं, पतंग कट जाती है और चलते हुए मोटरसाइकिल स्कूटर के ऊपर लपेटे में आ जाती गले में, तो कितने ही बच्चे और बड़ों का मरण हो, एक्सपायर हो गए लोग। तो एक उससे भी बचना, और एक है दिवाली पर चलाए जाने वाले फटाके। इस पर अभी कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैंने फटाके फोड़ना मैंने ऐसा है जैसे कोई मानव बम आकर के फूट जाता है ना, तो कितने लोगों को बुरा लगता है, वो कितने लोग उससे मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं। तो जो काम मानव बम गलत काम कर रहा है, वो यदि आप फटाका फोड़ते हैं तो फिर 2-3 इंद्रिय जीव आदियों की बहुत हत्या होती है। इसलिए इन दोनों चीज़ों से बचना। सत्याणु व्रत में ज़रा फिर से देख लीजिए एक बार, ये ऐसे पॉइंट्स हैं सत्याणु व्रत में। यदि आप गालियां बकेंगे तो कभी भी लड़ाई झगड़े होंगे और कभी भी मुकदमे चल जाएंगे आपके। मर्म छेदी वचन बोलने पर डिप्रेशन टेंशन हो जाती है। कोई आपको भी खराब वचन बोले तो कैसा लगेगा, कोई आपको बुरा बोले तो कैसा लगता है, बोलो। एक कहावत आपको याद है, आप दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जो आप स्वयं से चाहते हैं, स्वयं से अपेक्षित, आप स्वयं के लिए अपेक्षित रखते हैं, मैंने अच्छा व्यवहार करिए। आइए अचौर्याणु व्रत पढ़ेंगे आज अपन। अचौर्याणु व्रत समझ गए, चोरी नहीं करना। ये नियम आपको लेने लायक है सभी के लिए, ध्यान रखना। क्यों लेने लायक कह रहा हूँ मैं आपको, आप ये नहीं सोचिए कि हम तो त्याग नहीं करते। अच्छे बैठो बैठे, अभी लिखो नहीं, पहले सुनो। सभी लोग ध्यान से सुनिए इस विषय को। कल्पना करिए कि आपने इनमें से कोई नियम नहीं लिया और रेलगाड़ी में बैठकर आप जा रहे हैं, और आप बातें बातों में बोले, भैया हमें तो बड़ा डर लगता है, हमने तो कोई नियम नहीं लिया, हमने तो चोरी करने का भी त्याग नहीं किया।
क्या बोला आपने? आपने चोरी करने का भी त्याग नहीं किया है। कल्पना करिए, उसी रात में वहाँ पर चोरी हो जाए रेल की बोगी में, तो लोग कैसे ढूंढेंगे? लोग कहेंगे साहब रात को ये बोल रहे थे, इन्होंने चोरी का त्याग नहीं किया, तो कौन पकड़ा जाएगा? ऐसे कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैंने झूठ बोलने का नियम लिया है। आप ले सकते हो झूठ बोलने का नियम? नहीं भैया, सदा सत्य बोलना चाहिए, मैं सत्य बोलूँगा। इसका मतलब है आपको सत्य बोलने का नियम लेने लायक है, झूठ बोलना त्याग करने लायक है। आइए, अचोर्यानुव्रत, कौन कौन सी चोरी आपकी भूमिका में नहीं होनी चाहिए? नंबर एक, दान राशि समय से चुकाएं। आप दान नहीं देंगे तो चलेगा, क्या बोला हमने? दान नहीं देंगे तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन यदि दान डिक्लेयर किया है आपने तो आपको समय से देना चाहिए। नहीं देते हैं तो तीन लोग की सबसे बड़ी चोरी है वो। जिन लोगों को दरिद्र होना हो, गरीब होना हो, वे ही दान बोल करके ना दें। क्या मतलब? गरीब कैसे हो जाएंगे? आपको पता है इस पूरे यूनिवर्स में सब 99.9% जीव दरिद्र हैं। कितने लोग गरीब होंगे बता सकते हो? कितना परसेंट बोला? 99.9। एक इंद्री पूरा दरिद्र है, एक इंद्री को कोई सुविधाएं नहीं है, दो इंद्री को कोई सुविधा नहीं है, तीन इंद्री को जीवों को कोई सुविधा नहीं है, चार इंद्री को कोई सुविधा नहीं है, पांच इंद्री असंगी को क्या सुविधा है बताओ? और संगी पंचेंद्री मनुष्यों में भी 90% को सुविधा नहीं है। पूरे नारकी दरिद्र हैं। नारकियों के पास कितनी प्रॉपर्टी है? तो सारे नारकी दरिद्र हैं। त्रियंच दरिद्र है। काय का फल है कि जो महावीर भगवान को या भगवान को भी ठग सकता है, मंदिर में संकल्प करता है कि मैं पैसे चढ़ाऊंगा और नहीं चढ़ाता है, बोल करके भी नहीं देता है। गांव में कई बार लोग क्या सोचते हैं, कोई वसूल के तो देखे, बोल दिया तो बोल दिया, नहीं दे रहे तो नहीं दे रहे। ये गलती कभी मत करना, विश्व का सबसे बड़ा पाप हो जाता है। तो चोरी नहीं करना, मैंने दान की राशि समय से चुकाना। एक बच्चों में बहुत ट्रेंड होता है, आप देख सकते हैं, रेलगाड़ी में जाएंगे तो बिना टिकट चलेंगे, बिजली का बिल चुरा लिया, बिजली का बिल चुराने समझते हो, बिजली की लाइन पर और तार डाल दिया, करंट क्या कहलाता है, करंट डायरेक्ट ले लिया, जिसको कहते हैं सीधी लाइन डाल दी। मैं इस मामले में बड़ा कड़क हूँ, यूँ समझ लीजिए, खनिया दाना में पंच कल्याणक हुए तो मैंने सबसे पहले कह दिया कि मैं खनिया दाना में नहीं रहूँगा। बोले क्यों? कि यदि आप खनिया दाना में पंच कल्याणक के पांडाल की लाइट डायरेक्ट लाइन डाल के ले लेंगे तो फिर मैं नहीं रुकूँगा, क्योंकि मैं ऐसा अधर्म नहीं देख सकता कि महावीर भगवान का पंच कल्याणक और वो भी चोरी करके हो और लोग उंगलियां उठाए देखो जैनियों ने लाइन ले रखी है। मैंने हमारे महावीर भगवान ने हमको अचोर्यानुव्रत और अचोर्य महाव्रत सिखाया और हम उन्हीं के नाम पर यदि हम चोरी करते तो बहुत गलत बात। फिर जैन समाज ने मीटिंग की, बाकायदा मीटर लगाया, क्या कहलाता है, और DP लगाई तीन और सारी लाइट ली, भले उसके लिए मेहनत करनी पड़ी, पैसे चुकाने पड़े। तो एक दो नेता तो मेरे से बहुत नाराज हुए कि आपने, आपकी वजह से 1 लाख रुपये ज़्यादा लग गया, नहीं तो हमारा 1 लाख बच जाता। तो मैंने कहा भैया 1 लाख रुपये बच जाता तो कौन से तुम्हारी जेब में चला जाता, वैसे ही 50 लाख रुपये बचे पंच कल्याणक में, 1 लाख रुपये कम बच गया, क्या फर्क पड़ा? लेकिन ये कलंक तो नहीं लगा कि जैनी लोग चोर हैं, महावीर भगवान के पंच कल्याणक चोरी की बिजली से होते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे जमीन नहीं घेरना चाहिए, जमीन घेरना समझ गया, मंदिर के लिए जगह रातों रात कब्जा कर लिया, उस पर मंदिर बना दिया, ये कभी नहीं करना। जब हमारे घर में ही हम चोरी नहीं करते तो जैन धर्म के नाम पर मंदिर के नाम पर करना चाहिए? बोलो, कभी नहीं करना। ये ध्यान रखना, ये आपके जीवन के उत्कर्ष के लिए, सुखी होने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे कई बार, अभी तो आपको काम नहीं पड़ा होगा लेकिन मैंने देखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोग ऐसा कहते हैं जैसे मंदिर में कोई निर्माण कार्य हो रहा है और कोई ठेले पर सामान आया, सीमेंट आई, बजरी आई, कोई चीज़ आई, तो लोग मालूम क्या कहते, अरे भगवान का काम है, मंदिर का काम है, 2 रुपये कम ले लो, 5 रुपये कम ले लो। मैं ही नहीं, ज्ञानानंद सराफ का आचार्य इसके खिलाफ है।
यदि मंदिर में पुताई हो रही है तो उन्होंने क्या लिखा है ज्ञानानंद साहब का चार में, सुनोगे आप? उसमें लिखा है कि काम ओछा ले और दाम सवाया दे। हिंदी समझ में आ रही? ओछा कम, काम कम ले और दाम ज़्यादा दे। क्यों क्यों ऐसा होना चाहिए कि मंदिर का काम कराओ तो पैसा ज़्यादा दे दो? तो उन्होंने कहा हाँ, ताकि मजदूरों को कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जैन धर्म शोषण करता है। उनको ऐसा नहीं लगता भैया हमें मंदिर में कभी काम नहीं करना, ये लोग हमें ले जाते हैं 200 रुपये की मजदूरी बता के और रात शाम को 125 रुपये पकड़ा देते हैं, 25 रुपये जैन मंदिर के नाम पर, महावीर भगवान के नाम पर काट लेते हैं। उनके मुँह से हाय नहीं निकलनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, भी कम काम क्यों करेंगे जैन मंदिर में, कम काम क्यों करेंगे? उसका मूल कारण है, अन्य लोग तो बिना छना हुआ पानी इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ मजदूर को पानी छानना पड़ेगा, एक टाइम लग जाएगा उसमें। अन्य मत में तो, अन्य धर्म वालों में तो यदि पुताई करेंगे तो जीवों को चलते हुए देख करके उनके ऊपर पॉलिश कर देंगे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा। हमारे यहाँ मंदिर में कोई पॉलिश करेगा और जीप चल रहा है तो हम उससे कहेंगे ये कपड़ा रख लो, या मोर पंख रख लो, या कोमल कपड़ा रख लो, उन जीवों को उतार दो। यदि वह मकड़ी वगैरह लगी तो बाल्टी में भर करके आप बाहर कर दीजिए, लेकिन उन्हें मारिए मत। निश्चित है यदि हम अहिंसा का पालन करेंगे जैन मंदिर में तो हमारे यहाँ क्या होगा, काम कम होगा और कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करेगा तो उसको अहिंसा के पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए। समझ में आ रही है आप सबको बात? कभी ऐसा नहीं करो भाई हम जैन मंदिर नहीं जा रहे। बोले क्यों? अरे वो जैन मंदिर के नाम पर 5 रुपये कम कर दिए। काहे के 5 रुपये? भाड़े के, मजदूरी के। वो तो बेचारा ठेले पर सीमेंट लेकर आया, आपने 10 रुपये कम कर दिए। ऐसा कभी नहीं करना, ये सब चोरी कहलाती है। आइए पढ़ते हैं। दान राशि समय से चुकावें, बिना टिकट रेल बस यात्रा कभी नहीं करें। बिना टिकट रेल यात्रा, मेरा तो बस चले तो मैं आपसे प्रतिज्ञा करा दूँ, बिल्कुल कभी नहीं जाना जिंदगी में। गरीब होने का तरीका है चोरी करना। क्या बोल गए हम जरा बोलो? गरीब होने का तरीका है चोरी करना। क्या फर्क पड़ेगा आपको पता है? रेलगाड़ी में आप बिना टिकट बैठे क्या होगा इसके बाद बता सकते हो क्या होगा? 4 घंटे का सफ़र होगा तो 4 घंटे दिल धड़केगा, हर 8 पे लगेगा कहीं टीसी तो नहीं आ रहा है, घबराहट होगी। इसका नाम है आश्रय बंद, इसका नाम है नाव में छेद हो गया, नाव में छेद समझ गए, पानी भर रहा है। मैंने आश्रय बंद, 7 तत्व में आश्रय बंद पढ़ा होगा आपने। 7 तत्व में आश्रय बंद क्या होता है? नाव में छेद जिसमें से पानी का भरना। तो 4 घंटे आप सो नहीं पाएंगे, भोजन नहीं कर पाएंगे, घबराते रहेंगे। और एक बार बताऊं, 2, 5, 10 बार आप हो सकता है बिना टिकट चले जाएं, नहीं एक दिन पकड़ा गए तो सीधे 5,000 लग गए। अभी आपने देखा वो देश में वो नए वो कानून बन गए ना सारे, 500 रुपये लगेंगे हेलमेट नहीं लगाया तो, 5,000 रुपये लगेंगे ऐसा नहीं हुआ तो, वैसा नहीं हुआ तो एक आदमी के 85,000 रुपये लगे। अभी 85,000 रुपये ट्रक का, वो पूरा सड़क पर ट्रैफिक वाले व्यक्ति ने उसको 85,000 रुपये का दंड लिया। तो ये पूरे जिंदगी की चोरी जितनी की होगी ना वो सब निकल गई एक साथ। इसलिए ज़िंदगी में कभी नहीं करना। मैं तो मेरे से आप डिस्कस करो, इधर देखो बेटे, सभी लोग गलत बात है बेटे, नीचे मत देखो, इधर देखो मेरे सामने। आप हो सकता है 10 साल तक चुराते रहे और फिर हार्ट अटैक हो गया, सारा निकल गया 10 लाख रुपया, क्या मतलब निकला बताओ? जब आपका हार्ट वीक है, घबराहट होगी ना आपको, तो असाता वेदनी होगी, आपका हार्ट घबराएगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा आपको। तो यहाँ चोरी करते रहे आप 10-20 साल तक और एक झटके में निकल गया। आपने देखा होगा आसाराम का सब एक झटके में निकल गया, विजय माल्या का नाम सुने होंगे, नीरव मोदी, विजय माल्या, ये एक झटके में निकल गया, देश में भी नहीं रह पा रहे। मैंने खुद अपने जीवन में देखा है आज तक चोरी करने वाला सफल नहीं हुआ। आपको एक आध व्यक्ति चोर, मिलावटखोर, भ्रष्टाचार करने वाला यदि सफल मिल जाए तो मुझे मिलवा देना। बहुत इंटेलिजेंट था लालू प्रसाद यादव, आप लोगों में से कम जानते होंगे लोग, जानते हैं आपने लालू प्रसाद यादव? रेल मंत्री रहे कभी, मुख्यमंत्री रहे कभी बिहार के, हैं आप लोगों में कौन कौन का परिचय होगा? ज़्यादा परिचय तो नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ज़्यादा परिचय इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा बढ़िया रेल मंत्री था जिसके राज में करीब 5 साल या 6 साल तक रेल का किराया ही नहीं बढ़ा, किराया नहीं बढ़ा, और उसने नई नई स्कीम निकाल करके वो विश्व गुरु कहलाने लगा था, वो मैनेजमेंट गुरु,
और मैनेजमेंट के लेक्चर देने के लिए विदेश में जाता था, लेकिन घास खा गए भाई साहब, भैंस को खिलाने के नाम पर खुद ने घास खाई, चोरी की, और परिणाम ये निकला कि जेल में है आज की तारीख में। उनके बच्चे की बहू भाग गई, मैंने वो तलाक हो रहा है, अब दुखी दुखी हैं सारे के सारे। आप पढ़ के देख लीजिए उनकी पूरी स्टोरी। मैंने एक भी व्यक्ति चोरी करके सुखी नहीं हो सकता, ध्यान से सुन लेना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, विश्व में एक पैसे की भी चोरी करने में कोई समर्थ नहीं हो सकता, कर ही नहीं सकते आप। मैंने हॉस्टल में बच्चे पढ़ते हैं खनिया थाना में, तो वे बच्चे कई बार चोरी कर लेते हैं एक दूसरे की, पेन चुरा लिया, 2-5 रुपए चुरा ली, कुछ खाने पीने की चीज़ चुरा ली। तो मैं उन्हें समझाता हूँ ये बात कि आप अपने घर में फ़ोन करके देखो, घर में पता लगा के देखो कि तुम यहाँ 5 रुपए चुरा रहे हो और वहाँ पापा जी का 5000 का लॉस हो गया। पूछ लो आप, उनका पैसा डूब गया, किसी ने उनके पैसे उधार लिए और डूब गए पैसे, एक्सीडेंट हो गया, मम्मी बीमार हो गई। सच्ची घटना है, यदि आप कलकत्ता में मिलो तो मैं मिलवा सकता हूँ। कलकत्ता में एक मंदिर में, अब उनको क्या कहें, सेवादार कहिए, कामदार कहिए, काम करते हैं, वो व्यक्ति मंदिर की वो लेता था, क्या कहलाता है, चढ़ावा, द्रव्य। तो उसके घर में बीमारी लगी रहती थी बीमारी, वो यहाँ चढ़ावा लेते थे, वहाँ बीमारी लगी रहती। एक दिन उसको जाने क्या प्रवचन सुनता था वो रोज़, तो प्रवचन सुनने में कोई निर्माल्य की बात आई, तो उस दिन उसको अचानक विकल्प आया कि ऐसा तो नहीं मैं जो पैसा ले रहा हूँ इससे हो रहा हो। तो उसी दिन से उसने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं ये चावल नहीं लूँगा, काम कर रहा है आज भी, और चावल उठा के अपने बेच के पैसे नहीं कमाता हुआ, तो मना कर दिया। उसने तनख्वाह बढ़ाने के लिए भी नहीं कहा। तो एक तरफ तो उसका ये पुण्य का उदय आया कि घर में जो बीमारियाँ हो रही थी, वो मुकदमे में झगड़े हो रहे थे भाई भाई के बीच में, वो सारे पैसे बचने लगे वहाँ से, और यहाँ पर समाज उससे खुश हो गई। तो समाज ने उसको एक मशीन लगवा दी, मशीन कि तुम आटा पीसने का काम, मसाला पीसने का काम इससे करो, इससे तुम्हारी एक्स्ट्रा इनकम होगी। तो इनकम में भी बढ़िया हो गया और घर की बीमारियाँ भी खत्म हो गई, और जब बंटवारे के झगड़े चल रहे थे वो भी ऑटोमेटिक उसका पुण्य हुआ। आप मिलना चाहो तो मिलवा सकता हूँ, कलकत्ते में अभी है वो व्यक्ति, और समाज में सारे ट्रस्टी उसको इतना प्रेम करते हैं जैसे जैन समाज का व्यक्ति हो, अपना सगा भाई हो, इतना प्रेम मिलता है उसको। समझ आ रही है आपको बात? तो चोरी जिंदगी में कभी मत करना। आगे देखिए, बिना पूछे कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करें। आ रहा है इसमें? नहीं आ रहा पर्दे पर? कोई बात नहीं। बिना पूछे कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करें, बिना पूछे, समझ गए आप, किसी कमरे में जाकर के भी कोई चीज मत उठाई। मुझे एक बात और बतानी इसमें, देखिए सुनना सभी लोग, धर्मशाला, मंदिर, विद्यालय, छात्रावास माने हॉस्टल, और बारात की वस्तुओं को अनुमति के बिना नहीं लें। एक शब्द और लिखा, क्षति ना पहुंचावे। सभी लोग मुझे सुनना ध्यान से, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना, मुझे देखना ध्यान से। अक्सर ऐसा होता है, हमें बारात की चीज़ों की चिंता नहीं होती, बारात के बिस्तरों पे हम पैर रख के खड़े हो गए, तकिया पे सिर रख के खड़े हो गए, कहो तकिया से ही बच्चे लड़ने लगे, चम्मच इस्तेमाल की, चम्मच वहाँ फेंक दी। 2-3 जगह तो मैंने ऐसा देखा धर्मशाला में कि गिलास को लेटरिन बाथरूम में डाल गए कमोड में, अब इतना सा गिलास था वो कमोड में घुस गया, अब बेचारे लोग वाक परेशान हो रहे, पानी डाल गए, चाहे जितना पानी डालो लेकिन लेटरिन निकल ही नहीं रही, वहाँ से बह ही नहीं रही। मैं भी रहा उसी में, अब मुझे भी जाना पड़ता, वो बह ही नहीं रही, पानी डाल के परेशान। फिर आखिरकार मैंने हाथ डाला तब पता लगा वहाँ गिलास का जन्म हुआ है, अवतरित हुआ। तब समझ में आया कि ये बच्चे क्या कर गए। एक जगह बच्चे लोग क्या कर गए, शादी में आते हैं, शादी में बारात में बच्चे आते, तो वहाँ ईट पत्थर कंकर लेकर गए और जा करके वो लेटरिन के कमोड में डाल गए, अब वो चौक हो गए बेचारी, अब पानी पे पानी, अब लोग तो आ रहे बार बार जा रहे, वो पानी भी डाल रहे लेकिन कुछ काम ही नहीं हो रहा। तो ऐसे काम कभी नहीं करना। आप कभी किसी स्कूल में, हॉस्टल में यदि आपको डांट पड़ गई तो आपने क्या किया, लौटते समय गुस्से में आकर के वो स्विच बोर्ड, बिजली का स्विच बोर्ड एक मुक्का मारा, आपने स्विच बोर्ड तोड़ दिया। कमरे के अंदर लगा हुआ आपको पंखा था, आपने पंखा ही खींच दिया। यदि हमने खनिया थाने में सबसे पहले बच्चों को घर से कुछ भी लाने के लिए नहीं कहा कि आप बिस्तर लाइए, कुछ नहीं मंगाया हमने वहाँ पर, हमने अच्छे बिस्तर दिए उनको, चादर दिए।
तो बच्चे लोगों ने क्या किया, जाते जाते उनके ऊपर ब्लेड ही मार दी। आखिरकार अगली बार हमें कहना पड़ा आप अपने घर से बिस्तर लाइए। अब उनके बिस्तर खो रहे हैं, अब वो क्या कहलाता है, उनका चादर खो रही, अब रो रहे हैं चिल्ला चिल्ला, पंडित जी हमारी चादर। मेरे बेटा जब हम तुम्हें दे रहे थे फ्री में, अच्छी चादर दे रहे थे, अच्छे बिस्तर दे रहे, तब तो तुमने सत्यानाश मारा। आपकी समझ में आ रही बात? एक बात की बिल्कुल प्रतिज्ञा ही ले लेनी चाहिए कि हमें चोरी भी नहीं करना है और क्षति भी नहीं पहुंचानी। अगली बात समझ में आए, आगे देखिए। और ये बिल्कुल पूरा आपको याद ही करना है, यूँ समझ लीजिए। इसके ऊपर आपको एक निबंध पूछा जा रहा है और वो है 20 नंबर का। मैंने यदि आप इसे चूक गए तो 20 नंबर रह जाएंगे आपके, इसलिए आप अच्छे से समझ लीजिए। मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि डिप्रेशन के कारण क्या क्या हैं, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। आगे देखिए, मांग करके भी एक और पॉइंट देखिए, मांग करके भी ऐसी वस्तु ना लें जिसमें दान दाता को कष्ट हो, दाता देना नहीं चाहता हो। कई बार ऐसी बात हो जाती, क्यों जी पेन कहाँ से लाए, बड़ा अच्छा है, तो आप क्या बोलोगे, बोलो पंडित जी आप ले लीजिए। अब आपका अंदर से मन नहीं था लेकिन फिर भी आप बोलेंगे पंडित जी आप ले लीजिए। मैं ऐसे ब्रह्मचारियों को जानता हूँ, खासतौर से ब्रह्मचारियों का नाम इसलिए ले रहा हूँ, उनका मेरा परिचय बहुत है। किसी का मोबाइल देखा, बहुत बढ़िया, कहाँ से लाए, हमें दिला दो। तो सेठ जी बोले जी यही रख लो, हम और मंगा लेंगे। तो फिर उन्होंने कहा पैसा ले लो, अरे पैसे की कोई बात नहीं, और फिर उन्होंने पैसे भी नहीं दिए और मोबाइल रख लिया। ज़िंदगी में ध्यान रखना, कभी किसी की प्रिय चीज़ नहीं लेना अपने को। ज़रूरत है तो आप चुपचाप खरीद कर लाओ, लेकिन सामने वाले से मत कहो तुम्हारी घड़ी बहुत अच्छी है, वो कहते ले लो। आप क्या करोगे बताओ, जैसे मैं अभी आपको पेन बहुत अच्छा, तो आप क्या कहोगे, बोलो पंडित जी आप ले लो, और क्या करोगे। मैंने ये बात कब सीखी थी, आज से 25 साल पहले। एक बहुत बड़े विद्वान हुए, त्यागी हुए, बहुत बड़े, बहुत बड़ा नाम है उनका, प्रसिद्ध, इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। उस जमाने में टेप रिकॉर्ड पहली बार नए नए आए थे, टेप रिकॉर्ड, तो वे प्रवचनकार थे और उनकी प्रवचन की पुस्तकें छपती थी, प्रवचन की पुस्तकें छपती थी। तो जैसे ही वो टेप रिकॉर्डर आया, तो जिसके हम भोजन करने गए रानीपुर में, तो उन्होंने कहा जी क्या चीज़ है, तो उन्होंने बताया टेप रिकॉर्डर, रिकॉर्डिंग हो जाती है, सुन सकती है। तो उन्होंने कहा ये तो हमें चाहिए। अब वो बेचारा उन गरीब घर में पहली बार तो आया था, वो तो हमें दे दिया, मना नहीं कर सकते थे, बहुत बड़े त्यागी थे। लेकिन ये घटना उन्होंने हमें 25 साल बाद भी सुनाई, मैंने मेरे से भी 25 साल पहले की घटना वो। तो तब मुझे शिक्षा मिली कि जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करना, किसी कोई चीज़ लेना नहीं, मांगना नहीं। आगे देखिए, ये भी चोरी कहलाएगी। आगे देखना बेटे, सभी लोग बड़े हो जाओ तो एक बात ध्यान रखना, मार्केट में आपके पास ज़्यादा पैसा हो तो अभी आप ये काम नहीं करना जो मैं बताने जा रहा हूँ। इस समय हिंदुस्तान में बहुत सारा पैसा है जिनके पास, वे भी दुखी हैं। क्यों दुखी हैं, वे ये सोचते हैं 100 करोड़ रुपया है तो 200 करोड़ हो जाए, 500 करोड़ हो जाए, IPL में सट्टा लगा दो, और क्या कहलाता है वो, शेयर मार्केट में चले जाओ, शेयर समझते हो, शेयर मार्केट में, नहीं तो कमोडिटी खेल जाओ, क्या कहलाता है कमोडिटी, कुछ कुछ होता है MCX, नहीं तो वो ले लो क्या कहलाता है, सिक्का, क्या सिक्का रहता है, करेंसी, क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइंस, जिस माने ये समझो जिनके पास पैसा है तो बैंक में डाल के चुपचाप अपनी दुकान छोड़ दो और मंदिर में आ जा। लेकिन मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ, 5,000 करोड़ रुपया का लॉस हो गया, अब इधर से उधर अंडरग्राउंड होके भागते फिरना पड़ रहा है। बनिया की एक आफत है, बनिया की, उसके तिजोरी में पैसा नहीं हो तो वो दुखी रहता है, और पैसा हो तो भी दुखी रहता है। नहीं समझ में आया, पैसा हुए तो क्यों दुखी होगा संयम? हाँ, उसको ये लगता है काश ब्याज पे उठा देते तो इतना ब्याज ही मिल जाता, 2-4% का, 1% का, तो ब्याज के चक्कर में वो रखा हुआ पैसा भी दे देता है। बैंक में बड़े बड़े मैनेजर, कैशियर, नौकरी भी छूट गई और जेल में है आज। क्यों? उन्हें क्या सोचा, जी रोज मार्केट चढ़ रहा है, सोना का चांदी का मार्केट चढ़ रहा है, तो उन्होंने बिना किसी के कहे चुपचाप उसमें से 1 करोड़ रुपये निकाले, केसियर में से, उसमें हिसाब में से, खजाने में से, और सोचा कल ला के जमा करा देंगे, आज खरीदेंगे रात को और कल बेच देंगे, रेट तो रोज़ बढ़ रहे हैं, तो मेरे को 10 लाख का फायदा हो जाएगा। अब मालूम पड़ा इधर से पैसा लेकर के गए और कल ला के जमा कर देंगे, ऐसा सोचा था, लेकिन रेट तो डाउन हो गए।
एक दिन दो दिन तीन दिन पंद्रह दिन और मार्केट नीचे आता चला जा रहा, और नीचे आता चला रहा। आखिरकार पकड़े गए, इधर का पैसा भी भरना पड़ा, नौकरी भी छूटी और मार्केट में भी परेशान हो गए और करोड़ों रुपए का लॉस हो गया। जिंदगी में गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, बिना परिश्रम के जल्दी धनी होने की कोशिश मत करना। आपको धनी होना हो तो आईपीएल नहीं करिए, सट्टेबाजी नहीं करिए। और देखिए इसमें लिखा है सारा क्या क्या नहीं करना है आपको, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और जुआ नहीं खेलिए, ताश में हार जीत पैसे को लेकर के नहीं खेलिए, चोरी की वस्तुएं नहीं खरीदी। एक पॉइंट है, चोरी की वस्तुएं नहीं खरीदे। आगे तीन पाप की चर्चा हो गई अपनी, कौन कौन से, हिंसा, झूठ और चोरी के त्याग की। अब आइए कुशील, ब्रह्मचर्याणु व्रत, चौथा नाम क्या आएगा, ब्रह्मचर्याणु व्रत, शील व्रत। आपके लेवल पर क्या पालन करना है वो मैं इसमें से बता रहा हूं, बाकी तो आप ग्रंथों में जैसे जैसे बड़े होंगे तो और मालूम पड़ जाएगा, लेकिन आपके लिए क्या क्या जरूरी है देख लीजिए। आप जितने भी लड़के हों वो लड़कियों से दोस्ती करने से बचें, सबसे पहला काम। यदि मेन काम ही नहीं हुआ तो आप जिंदगी भर बचे रहेंगे, और नहीं तो मैं ढेरों कहानियां सुनाऊंगा आपको बच्चों की, क्योंकि मैंने कॉलेज में पढ़ाया है विद्यार्थियों को, स्कूल में भी पढ़ाया है, तो मुझे पता है जिन कॉलेज स्कूलों में लड़के लड़की एक साथ पढ़ते हैं, यदि लड़की वहाँ बैठी, लड़का यहाँ बैठा है और एक बार नज़र मिल जाए तो 40 मिनट का पीरियड नहीं सुन सकता, क्यों देख रही है, क्या बात है, अट्रैक्ट हो रही होगी, जरूर मुझे चाह रही होगी, मैं दिमाग उसका घूमना शुरू हो गया, मैंने वो फ्लैशबैक में चला जाता है, यानी कौन सी दुनिया में चला जाता है। अब टीचर पढ़ाता रहता है, टीचर पूछे समझ में आया, खड़े हो जाओ समझाओ क्या हुआ, आपको कुछ आता ही पता नहीं। सच्ची घटना सुना रहा हूँ, इस लड़के ने नींद की गोलियां खाई थी 50 आत्महत्या करने के लिए, क्योंकि सीए में नंबर वन था वो, लेकिन दूसरे साल में जब पहले साल में फर्स्ट पास हुआ, अच्छे से पास हुआ, सीए की पहला ग्रुप बढ़िया निकाल दिया, दूसरा ग्रुप निकालने के पहले फ्रेंडशिप कर ली लड़कियों से, घूमना फिरना, डेटिंग, चैटिंग, फोटो, क्या क्या करते रहते हैं, और सब परिणाम ये निकला कि उसका पढ़ाई में से दिमाग फोकस खत्म हो गया, कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो गया, परीक्षा में फेल हो गया, 7 साल से फेल हो रहा है। तो इतना डिप्रेशन में चला गया, सारे घर वाले नफरत करने लगे, फ्रेंड सर्कल मजाक उड़ाने लगे, तो उसने नींद की गोलियां खा के आत्महत्या करने की कोशिश करी। ऐसे सैकड़ों हैं, सैकड़ों। तो सबसे पहला है दोस्ती ही नहीं करें। दो लड़कियां या दो लड़के भी साथ साथ नहीं सोएं एक साथ बिस्तर में। ऐसे लड़के लड़कियों से भी बचें, माने आप ऐसे लड़कों से भी दोस्ती नहीं करें जो लड़कियों की बातें करती हों। लड़कियां भी ऐसे से सहेली नहीं बनाएं जो लड़कों की बातें करें। आगे देखिए, जो अश्लील मूवी देखते हों उनकी दोस्ती से बचें, सेल्फी व चैटिंग से बचें। आजकल के 90% बच्चों की पढ़ाई केवल मोबाइल के चक्कर में नहीं हो रही, कुछ ना कुछ देखते रहेंगे, व्हाट्सएप और नहीं तो चैटिंग, और बड़े खुश होते हैं आजकल मैं फेसबुक पर हूँ। भैया तेरा फेस ही खराब हो रहा है, फेसबुक पर क्या करेगा तू, लेकिन नहीं वो अपने आप को हीरो समझ रहा है, बिल्कुल फिल्मी। तो ऐसे नहीं करना, चैटिंग से बचें। लड़कों और लड़कियों से दोस्ती करने वाली, मर्यादा रहित व्यवहार करने वाली, वस्त्र पहनने वाली लड़कियों, लड़कों की दोस्ती से बचें। समझ गए होंगे, सादा बच्चों की दोस्ती करेंगे तो जीवन में भ्रष्ट नहीं होंगे। लेकिन एक लड़का हाई फाई कपड़े पहनता हो, चश्मा लगाता हो, मोबाइल हाई फाई रखता हो, तो सामान्य लड़के उसे देख देख करके जेलेस ही करेंगे। उन्हें हमेशा ऐसा लगे काश मेरे पास ऐसा मोबाइल होता, अब मोबाइल तो है नहीं, तो फिर सोचते काश इस जैसा मेरा बाप होता, इस जैसा मैं भी पैसे वाला होता, काश मेरी मम्मी पापा भी अलाउ कर देते मेरे को महंगे कपड़े, महंगा खान पान, घूमना फिरना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप ऐसे लड़कों से दोस्ती भी नहीं करें। आपकी 90% पढ़ाई इसी में ख़त्म हो जाती है, दिन रात यही सोचते इसका मोबाइल कौन सा है, इसकी बातचीत कैसी है, ये कौन सी दोस्ती कर रहा है, कौन सी पिक्चर देख के आया। आपने देखा हो स्कूल कॉलेजों में क्या करते हैं बच्चे, पिक्चर देख कर आएंगे और फिर अपनी वही स्टोरी सुनाएंगे, तो उस दिन की पढ़ाई मारी जाएगी। और यदि कोई लड़का हाँक रहा हो, हाँकना तो समझते होंगे आप, फेंकना तो समझते होंगे आप, फेंके जा रहा है वो, अरे मैं तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खूब खेलता हूँ, मैं तो वीडियो गेम चला रहा हूँ, और मेरे बाप ने तो मुझे बहुत पैसा दे रखा है, मैं खा पी रहा हूँ, पिक्चर देख रहा हूँ आदि आदि। तो उसकी बातें सुन सुन कर तुम्हारा पढ़ाई मन लगना बंद हो जाए।
इसलिए ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करें। लड़कियों के लिए लिखा है खुले बाल और उघाड़े सिर नहीं रहना चाहिए। महिलाओं के लिए खासतौर से, महिलाएं शादी के बाद यदि साड़ियाँ वगैरह पहनती हैं तो बाकायदा पीछे से ढक करके पहनो, सिर ढक करके पहनो। सप्तवेशन में, सप्तवेशन के नाम जुआ, बेश्या सेवन, परिस्थिति सेवन, शिकार, चोरी, शराब, नशा और स्मोकिंग। शराब के साथ मैंने ये चीज़ें और जोड़ दी, नशा और स्मोकिंग, इस पे तो चर्चा करना चाहिए। आपको पता है जैन समाज में किसी जीव को मारने से हिंसा नहीं होती, पता है आपको, लेकिन मरते हुए जीव को देख करके खुश होने से भी हिंसा होती है। कोई मर रहा हो, रो रहा हो, आप हंस रहे हो, मजे कर रहे हो, तो उसे उसमें हिंसा का पाप लगता है। इतनी बात मालूम है आपको? तो अब आगे सुनो फिर। तो आप लोग स्वयं तो सप्तव्यसन नहीं करेंगे, लेकिन टेलीविजन देख करके सप्तव्यसन का पाप लग सकता है। मोबाइल में आप वैसे गाने देख रहे हैं जो नशा में गाए जा रहे हैं, परिस्थिति सेवन करते हुए गाए जा रहे हैं, बेस्या सेवन करते हुए की पिक्चर दिखाई जा रही हो, अश्लील दृश्य दिखाए जा रहे हो, तो सप्तव्यसन करने का पाप लग जाएगा आपको। थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था आपको, मात्र हिंसा का सीधा पाप नहीं, कोई जीव मर रहा हो, दुखी हो, उसे देख के प्रसन्न होने में भी हिंसा का पाप लगता है। तो ऐसे सप्तव्यसन की अनुमोदना का पाप लगता है। आगे देखिए, अपने माता पिता की आज्ञा से, आज्ञा से वह जिन शासन की मर्यादा में रहकर विवाह करें, विवाह समझ गए, कभी लव अफेयर नहीं करें। यह अश्लीलता में आता है, कुशील में आता है, अब्रह्म कहलाता है। माता पिता की आज्ञा से जैन शासन की मर्यादा में विवाह करें, कभी अफेयर नहीं करें। मास्टरबेशन हस्तमैथुन के दोष जानकर उन्हें ना सीखें, ना सिखावें और ना प्रेरणा करें। अश्लील गालियां सीखे सिखावे नहीं। एक दिन मैंने बोला था आपको, थोड़ा सा गालियां सीखना सिखाना नहीं। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, आप तैयार कर लीजिए पहले से ही, कि आप किसी को कैसे समझाएंगे कि अश्लील माँ बहन की गालियां नहीं बकें, तो क्यों नहीं बकें, उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा। इसके लॉजिक आप तैयार करके जाएं। एंड्रॉइड मोबाइल में कई बार ऐसा बुरा लगता है, कोई पिता अपने पुत्र को या पुत्र अपने पिता को गुस्से में गाली बक देता है, गंदी वाली जो आप समझ रहे होंगे, कितना बुरा लगता है बताइए। भाभी आपकी कुछ कह नहीं सकती, बहन कुछ कह नहीं पाती, माँ कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि आप कमा रहे हो मान के चलो, और धड़ल्ले से आप गालियाँ बक रहे हो, तो आप सोचो उनको कैसा लगता होगा। तो कभी अश्लील गालियाँ नहीं बकें। और एक एंड्रॉइड मोबाइल का त्याग करें, इस मामले में तो बहुत विस्तार से समझाने की ज़रूरत है। एंड्रॉइड मोबाइल या मोबाइल की हानियाँ क्या क्या हैं, मैं अभी से आपको पूछ रहा हूँ, प्रश्न आएगा। ये ऐसी कोई तीन घटनाएं सुनाई जो समाचार पत्र में आपने पढ़ी हो मोबाइल संबंधी, कि बच्चों ने मोबाइल का, मम्मी पापा ने मना कर दिया तो उसने आत्महत्या कर ली, या मम्मी के ऊपर चाकू उठा दिया। तो मोबाइल के लॉस की कोई भी तीन घटनाएं समाचार पत्र से आपको याद आ रही हो तो तैयार करके रखिए, परीक्षा में आपको लिखना पड़ेगी। मैंने आप अपने जीवन में बताइए कि मोबाइल से कौन कौन सी हानियाँ हैं, और मोबाइल रखने पर कौन सी घटनाएँ देखी हैं आपने जो बिगड़ रही हैं, बीमारियां हो रही हों, ऐसी कोई घटना आपने देखी हो, डॉक्टर की रिपोर्ट आई हो, कोई और भी कोई समाचार पत्र या टेलीविज़न से आपने सुनी हो, या लोक व्यवहार में अपने माता पिता से सुनी हो कि मोबाइल के चक्कर में वो बेचारा मारा गया, तो वो आप तीन घटनाएं जरूर याद करके रखिए। चलिए, जब तक आपका विद्यार्थी जीवन है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे बहुत अच्छा ये लग रहा है कि 11th 12th के बच्चे मुझे मिले पढ़ाने के लिए। ये आपकी बिगनिंग है, ओरिएंटेशन टाइम है, अभी आप यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। यदि आप ये मेरी बात समझ जाएं तो 5 साल तक मोबाइल से के संपर्क में मत रहिए, वो तो मुझे पता ही, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ 5 साल तक मोबाइल के संपर्क में मत रहिए, कॉलेज लाइफ में भी, जब तक आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाए। मैं आपको कैसे समझाऊँ, 90% बच्चों के फेल होने का मूल कारण या फोकस खराब होने का कारण, कॉन्सेंट्रेशन खराब होने का कारण ये मोबाइल है। जब देखो जब उसमें चैटिंग क्या आता रहता, व्हाट्सएप जो भी कुछ आता हो हमें नहीं मालूम, बहुत सारी चीज़ें आती हैं आजकल, यूट्यूब पे जाने क्या क्या पड़ा हुआ है। मैंने ये समझो, एक बच्चा केवल इसलिए मर गया कि मम्मी पापा थे नहीं और ऑनलाइन वीडियो गेम खेल रहा था, और कंटिन्यू 3 दिन 3 रात खेलता रहा, अगले दिन सुबह उसकी डेड बॉडी निकली,
मम्मी पापा थे नहीं, रोकने वाला कोई था नहीं, और मोबाइल पर जाने कौन सा गेम खेल रहा था भगवान जाने। आजकल तो कौन सा खेल रहे हैं, पबजी सब्जी क्या होता है, आप में से कौन कौन खेलता है पबजी, अभी तक खेला किसी ने? एक ने खेला है, और कौन ने खेला है? दो ने, तीन ने खेला, वेरी गुड। तीन ही बहादुर है, चार बहादुर है, वेरी गुड। पांच बहादुर है, छह बहादुर है, सात आठ नौ दस, बहुत कम बहादुर है, क्या बात है, बाकी लोगों ने देखा नहीं है। मैं इन दस बारह बहादुरों को एक बात कहना चाहता हूँ, आप भी समझ लीजिए कि पबजी मैं तो जानता नहीं था, मैं तो अखबार में ही पढ़ता रहता हूँ पबजी। अब होता क्या है पब, हमें भी नहीं समझ में आता पब होता क्या है ये पब, लेकिन इन लोगों ने बताया मुझे कि उसमें कोई लड़ाई जैसा कुछ होता है, बम पटकने पड़ते हैं, सामग्री ढूंढनी पड़ती है, युद्ध जैसा कुछ होता है, पता नहीं कुछ, माने उसमें पूरा का पूरा हिंसक भाव, वो मारा वो उसको मार डालो, इसको फेंक इसको पटक इधर, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो देखा भी नहीं, मुझे पता भी नहीं, माने वो बिल्कुल मारा मारी का गेम है। पहले एक गेम आया था, बच्चे लोग खेलते थे, वो एक सांप आता है, कीड़े खाता है, इंसेक्ट कीड़े खाता है, और बच्चे खुश होते हैं, अरे एक और कीड़ा खाया, एक और कीड़ा खाया। मत सांप तो डिजाइन है, क्या कहना चाहिए, किरणें हैं, लेयर है, लेज है, क्या है, लेयर, हाँ इमेजिनेशन ही है। लेकिन तुम क्या बोलते हो उस समय, 250 कीड़े खाए मैंने, 250 250 कीड़े कौन ने खाए, है वहाँ इमेजिनेशन, लेकिन आपको पाप लग रहा है। आप कल जो रात को आपने इतना लेक्चर सुना सिद्धांत प्रकाश जी का, वो आप फिर समझो अच्छी तरह से। आप बेटे ये जो टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट, यदि ये 5 साल बढ़िया बीत गए तो जिंदगी में कभी आपका चेहरा नीचे नहीं होगा, कभी आपकी छाती नीची नहीं होगी, ऐसे ऐसे रहोगे मस्त होकर। 5 साल मस्ती कर ली आपने, स्कूल कॉलेज पिक्चर वगैरह टॉकीज वगैरह इधर उधर, तो ये समझ लो कि सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए 5 साल बिल्कुल प्रतिज्ञाबद्ध होकर के सील का पालन करो और मोबाइल से बच के रहिए। बच्चियों को भी मैं कहता हूँ, कम से कम वैसे तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी, पुराने जमाने लैंडलाइन होती थी, एक लैंडलाइन से पूरा परिवार का काम चल जाता था। अब आज तो 5 आदमी और 10 मोबाइल हैं, और हर घर में एक दो बिगड़ा भी पड़ा रहता होगा, और एक एक मोबाइल में कितनी कितनी सिम लगा लेते हैं, दो दो तीन तीन सिम, तो आजकल 5 सिम वाले भी आ गए होंगे, लेकिन 2 वाले हैं तो 2 वाले ही सही, मतलब जबरन की ज़रूरत नहीं बिल्कुल। तो इन चीज़ों से आप बच कर के रहिए ताकि आप पढ़ाई में अपना दिमाग लगा सकें। एक और बहुत खतरनाक काम हो रहा है जिस पर आपको चर्चा करनी है, समाज में भी, मम्मी पापा से भी, अपनी बहनों से भी, और आपको भी, वो है प्री वेडिंग एवं महिला संगीत के नाम पर पुरुषों के बीच दूल्हा दुल्हन या अन्य स्त्रियों को नृत्य करना बेस्या के समान है। समझ गए, आजकल देखा होगा आपने प्री वेडिंग, क्या कहलाता है प्री वेडिंग, एक तो फोटो वोटो बनवा के लेते हैं ना, छाया जैसे फोटो बनाते हैं, वो तो गलत बात है, मतलब शादी नहीं हुई तो क्या होगा, बोलो। आजकल एक और नया नाम आ गया प्री हनीमून, शादी भी नहीं हुई, हनीमून पहले ही होने लगे, प्री हनीमून। अब मान के चलो सगाई टूट जाए तो क्या होगा, वैसे ही फोटो खिंचवा लिए उल्टे सीधे। लड़कियों के लिए भी कह रहे हैं कि आप प्रतिज्ञा कर लो कि हम ऐसे लड़के से शादी नहीं करेंगे जो प्री वेडिंग और महिला संगीत, महिला संगीत तो समझते होंगे, वही दूल्हा दुल्हन नाचने वाला कार्यक्रम। अब उस समय वो भूल ही जाती है कि मैं बेस्या जैसी नाच रही हूँ, फिल्मी हीरोइन तो चाय जैसा नाचती हो, आपके सास ससुर खड़े हैं, आपके भतीजे खड़े हैं, भांजे खड़े हैं, छोटे छोटे 8-8 साल के बच्चे, और सारी दुनिया वो मोबाइल से फ़ोटो खींच रही है। कल्पना करो शादी के बाद आपके मित्र आएँ आपके पास और आपकी मिसेज से कहें या आपसे कहें, जरा अपनी बीवी को नचाओ तो यार उस दिन बहुत बढ़िया डांस किया था, इतना अच्छा डांस देख के मज़ा आ गया, तो आपको ऐसी गुस्सा आएगी कि आप उसकी जान ले लोगे। मेरी बीवी को क्या समझते हो तुम, बेचते हैं क्या वो, तो वो आपसे कह सकता है आपका दोस्त, तो उस दिन आपने क्या समझ के नचाया था। ये चर्चाएं घर घर होनी चाहिए, ये गलत पद्धतियां नहीं होनी चाहिए। ये भारत राम का देश है, सीता का देश है, बेस्याओं का देश नहीं है, या बेस्या वृत्ति का कल्चर नहीं होना चाहिए। पहले तो पिक्चरें आई, धीरे धीरे मोबाइल, वो क्या टीवी, धीरे धीरे भ्रष्टाचार बढ़ते ही चला जा रहा है। तो एक बात आप देख लेना, पहले 1 करोड़ पर 1 आदमी का भी तलाक नहीं होता था, आज इंडिया में हर 100 पर 1 तलाक हो रहा है। किसी जमाने में 1 करोड़ पर भी 1 तलाक नहीं होता था, आज होने लगा।
इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है, ये गलत काम नहीं हो। लव अफेयर नहीं करना, फेसबुक पर दोस्ती नहीं करना, चैटिंग नहीं करना, इसी प्रकार के अन्य स्त्री पुरुषों से संबंध बढ़ाने वाले यंत्र, साधन, पत्राचार, इस सारे का त्याग कर देना चाहिए। महिलाओं के लिए भी इस स्लीवलेस कपड़े नहीं पहनना, स्किन टच असली ड्रेस नहीं पहननी, ये हमारी पसंद है ये नहीं, दूसरे आपको किस एंगल से देखते हैं ये देखिए, इसलिए कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनी। बहनों के, लड़कों के लिए एक बहुत अच्छी बात लगी, बहनों के सील की रक्षा करने का प्रयत्न करिए आप, माने जैसे रामचंद्र जी संकट में पड़े हुए लोगों की सेवा करते थे, रक्षा करते थे, ऐसे हम सबको राम बनना चाहिए और कभी भी किसी बहन पर यदि संकट आता हो तो उसे बचाने की कोशिश करना चाहिए। विधवा विवाह का त्याग करना चाहिए, माने महिलाएं विधवा हो गई हों तो फिर दोबारा शादी करने की कोशिश नहीं करें, और सारा देश मिलकर के, हम सब मिलकर के, यदि कोई बहन विधवा हो गई हो 20 25 30 40 साल की उम्र में और उसका कोई ना हो, बेटा भी ना हो उसका, कोई रखने वाला ना हो, कोई ससुराल में भी ना रखे, तो आप उनको हमारे पास पहुँचाइए, हम उनके सारे जीवन वस्त्र की और भोजन की और सील की रक्षा करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे वो सम्यक तो और समाधि पूर्वक अपना जीवन सफल करें। वे आएँ बिल्कुल अमायन में आ जाएँ, हमेशा के लिए उनकी व्यवस्था की है हमने, ऐसी कोई भी बहन विधवा होने के बाद विवाह ना करें। सप्तव्यसनियों से संपर्क रखने वालों के साथ व्यवसाय नहीं करें, ये बहुत दिल्ली की घटना है, पति पत्नी में केवल इस बात पर तनाव हुआ, झगड़ा हुआ कि वो तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, वो परिसी सेवन करते हैं, बेसिया सेवन करते हैं, गंदी बातें करते हैं, तो वो मोबाइल पर बातें आ गई वो सारी सारी और उसने सुन ली मैसेज ने, तो उसको इतना वो लड़ाई हुई कि तुम शराब पीते हो, बेसियावती के संग उनके संग रहते हो, तो बहुत झगड़ा हुआ। मैंने समाज की मीटिंग बैठी है समझ लीजिए, तब मैंने ये बात जोड़ी इसमें कि आप सप्तव्यसनियों से बिजनेस भी मत करिए, दोस्त मत बनाइए, उनके साथ घूमिए फिरिए नहीं। मेरे पिताजी के जीवन की घटना है, जुआ खेलने वालों से दोस्ती की तो धीरे धीरे, पहले तो देखते ही देखते रहे, फिर ताश खेलने लगे और फिर जुआ खेलना सीख गए, करीब 25 साल जिंदगी के बर्बाद हुए उनके, बहुत परेशान हुए। मैं तुम लोगों के लिए इसलिए कह रहा हूँ, ऐसे लोगों से दोस्ती ही मत करो जो ड्रिंक करते हों, कई बार ऐसे दोस्त मिल जाएंगे अंडा खाने वाले नाना प्रकार के, तो मैं ज़्यादा तो नहीं कह रहा हूँ लेकिन समझ लीजिए आप, जो हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं हो उनसे दोस्ती मत करिए, ताकि आप बिगड़ेंगे नहीं कभी। तलाक लेने का त्याग, तलाक देने का त्याग, शादी हो गई, आजकल की तारीख में ये बात मुझे ज़्यादा कहनी है, 90% लड़कियाँ या लड़के ये सोचते हैं अरे तो नहीं समझ में आई तो छोड़ देंगे, लड़की सोचती मैं इसलिए कमा रही हूँ कि ससुर की नहीं सुनूंगी, सासू की नहीं सुनूंगी और हस्बैंड ने 3-5 की तो छोड़ दूंगी, फिर दूसरी शादी कर लूंगी, लेकिन आज तक तो दूसरी तीसरी शादी करने वाला कोई सुखी हुआ नहीं। आप मुझे ला करके बताइए कोई सुखी हो गया हो तो, आपको दूसरी तीसरी बार शादी करने पर जो सास मिलेगी वो कितना कटाक्ष करेगी, उसे कैसे बर्दाश्त करोगे, उसके बच्चे होंगे वो कटाक्ष करेंगे तो आप कैसे बर्दाश्त करोगे, समाज में आप मंदिर में जाओगे वहाँ कटाक्ष करेंगे, दो खसम को छोड़ के आइए बोलो उसको कैसे बर्दाश्त करोगे। मैं नहीं समझता हूँ शादी छोड़ करके तलाक ले करके, वो तलाक लेने के बाद फिर शादी करने वाला कोई सुखी हुआ हो, आप मुझे बताना ऐसा कोई मिल जाए तो मैं देखूँगा। इसलिए तलाक देने लेने का भाव ही मत रखो, समझ में आया। आगे आप एक बहुत सुंदर भाषा है जो मैंने बाद में यहाँ से हटाकर वहाँ जोड़ी है, तो इसमें तो अभी नहीं आ रहा ना पर्दे पे, आ रहा है तो इसमें एक लाइन आ रही कि अपनी मातृभाषा का ज्ञान अवश्य करना, इसको मैंने सत्याणु व्रत में जोड़ दिया। आप इंग्लिश पढ़े, इंग्लिश मीडियम पढ़े, समाज में प्रचार बहुत इंग्लिश का, तो आपको एक चीज़ का प्रचार करना कि हिंदी में पढ़ाई करिए, हिंदी भी सीखिए, हिंदी भी पढ़िए। क्यों, आजकल के बच्चों को गिनती नहीं आती हिंदी में, यदि उनसे कह दो 69 तो अंकल व्हाट डू यू मीन, यदि मैंने कहा 28 व्हाट डू यू मीन 28, मैंने उनको समझ में नहीं आती वो चीज़। अब सोचो जब इतनी सिंपल चीज़ हिंदी में नहीं आती उसको, यदि हम उनसे कह दें ना झरोखा, अब झरोखा क्या होता है, गवाक्ष क्या होता है गवाक्ष, आंचल क्या होता है आंचल, अब इतने सिंपल सिंपल शब्द भी नहीं मालूम, तो हमारे बच्चे प्रथमानुयोग तक नहीं पढ़ पाएंगे, प्रथमानुयोग समझ गए, स्टोरियां भी नहीं पढ़ पाएंगे हिंदी में। इसलिए आप इसका प्रचार प्रसार जरूर करें और स्वयं भी
हिंदी अच्छी करेंगी आप तो, आपकी तो मुझे शिकायत ही नहीं होगी, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हिंदी जरूर सिखाएं। मुझे बहुत अच्छा लगा अरहम पाठशाला का उस समय जब कार्यक्रम हुआ था, तो उन्होंने एक बात बताई थी कि अमेरिका के बच्चे इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हैं पाठशाला की, लेकिन उनके वहाँ के जो संयोजक हैं उन्हें इस बात की चिंता है कि आज तो ये इंग्लिश में पढ़ लेंगे, समय सार इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे और ग्रंथ कैसे पढ़ेंगे चार अनियोग। तो उन्होंने एक कक्षा एक्स्ट्रा अरहम पाठशाला के अतिरिक्त भी एक कक्षा हिंदी सीखने के लिए लगाई अमेरिका में, और वहाँ के बच्चों को हिंदी सिखा रहे वो। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अरहम पाठशाला को भी धन्यवाद और अमेरिका के जो संयोजक ये काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हिंदी जरूर सीखिए, समझ में। इसके बाद परिग्रह परिमाण व्रत, कौन सा आ गया परिग्रह परिमाण व्रत। मैं बाकी तो आपसे नहीं कहता हूँ, आप मेरे से पूछो तो आप छह खंड कमाओ। जैन धर्म कहता है आपको आवश्यकता हो तो छह खंड कमाओ, और दम हो तो 96,000 शादी करो, लेकिन लव अफेयर मत करो, किडनैप मत करो, रेप मत करो, इस तरह के पाप मत करिए। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्त्र मत पहनिए, जैसे जीन्स। आप में से 90% बच्चों को ईचिंग है, स्किन डिसीज है अंदर अंदर, लेकिन क्या पता किसको दिखाने के लिए आप वो पहनते हो। जीन्स मजदूरों की ड्रेस है जी, अब मजदूरों के लिए तो मजदूर तो लिमिटेड थे, तो मजदूर तो अब प्रोडक्शन का करें क्या, तो तुम्हारे खिलाफ क्या हीरो को पैसे दिए। एक बार बताओ, यदि जीन्स अच्छी ड्रेस होती तो कोई ना कोई खिलाड़ी जरूर पहनता। वर्ल्ड में कोई भी स्पोर्टमैन, कोई भी खिलाड़ी जीन्स नहीं पहनता, आप देख लेना। आप देखते हैं क्रिकेट का खिलाड़ी कॉटन पहनता है, सारे खिलाड़ी जो खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, कोई सारे के सारे 100% कॉटन के कपड़े पहनते हैं। डॉक्टरों के पास जाके देखो आप, 100% डॉक्टर वर्ल्ड वाइड कॉटन पहनता है। ऑपरेशन थिएटर में कोई नहीं पहनता वो जीन्स वीन्स, कोई नहीं पहनता। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ ये आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। बता रहे हैं एक मीटर कपड़ा बनाने के लिए 5,000 लीटर पानी बर्बाद होता है इसमें, आप देख लेना, जा करके आप पढ़ सकते हैं इसको। अनावश्यक महंगे साबुन, खुशबूदार प्रसाधन सामग्री, कल दिखा रहे थे उसमें, आपको देखा था आपने, फिर अधूरी दिखाई थी, इनमें इन सामग्रियों को इस्तेमाल नहीं करें। अपने पास अनावश्यक कॉपी पेन, अनावश्यक कपड़े नहीं रखें। एक बात मैं अभी आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपके पास ज़्यादा कपड़े तो मुझे दे दीजिए आप, लेकिन छत पर ले जाके मत छोड़िए। मैं हर बार आता हूँ छत पर, मुझे 25-50 कपड़े मिल जाते हैं जिसका वाशिंग प्रोग्राम मुझे करना पड़ता है, लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा है आप मुझे दे दीजिए, मैं गरीबों के पास दे दूंगा। आपको पता है दिल्ली में मार्केट डे लगता है, हाट जिसको कहते हैं ना, संडे का मंगलवार ऐसा, वहाँ पर ये तुम्हारे जितने कपड़े हैं ये बर्तन वाली वाई ले जाती है या कोई भी ले जाती है, वो ने धो धा करके उन साड़ियों को कपड़ों को रख देती है। तो जितने गरीब लोग होते हैं वो 5-10 रुपये में लोअर ले जाते हैं, 25 रुपये में लोअर ले जाते हैं, बनियान ले जाते हैं 5-5 रुपये में, 10-10, 20-20 रुपये में, तो उनके काम आ जाती है। यदि आपको नहीं पहनना तो आप हमें दे दिए। मुझे खनिया थाना के बच्चों से भी ये शिकायत, बच्चों से मतलब हॉस्टल में पढ़ने वाले, हम उनको स्कूल की हर साल ड्रेस सिलवाते थे, तो इतना अच्छे साबुत पैंट भी ऐसे छोड़ के चले जाते थे जिसके मन बुरा लगता था। आखिरी में बैग छोड़ के चले जाते थे, अच्छा बढ़िया बैग, अच्छे कपड़े सब छोड़ के चले जाते। कभी ऐसा नहीं करना बेटे, ज़िंदगी में हो सकता है कभी आपको फिर पहनने तक को ना मिले, तो कपड़ों का वेस्टेज नहीं करना। किसी आवश्यक हो, किसी साधर्मी को या गरीब बंधुओं को दे दें। इसमें एक बहुत अच्छी बात लगी, उपयोग की वस्तुएँ खराब होने से पहले दे दें। क्या बोला हमने? उपयोग की वस्तुएँ खराब होने से पहले दे दें। जैसे घर में मम्मी ने नमकीन बनाया, नमकीन तो 1.5 शेर बनाया हमने, इतना सारा बना लिया, तो आपने देखा जब ताजे होते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं खाने में, तो मम्मी देती नहीं है, थोड़े थोड़े से देती है, जिसको हमारे भाषा में कहते हैं टोंगियात हैं, थोड़े थोड़े दे देती। लेकिन जब वो 4-5 दिन खराब हो जाते हैं ना, फिर बास आने लगती है, तेल की गंध आने लगती है, तब मम्मी कहती है और खा लो बेटा, सुबह भी खा लो पोहा में डाल के, दोपहर में सब्जी में डाल के खा लो, शाम को भी खा लो। फिर बच्चों ने खाना मना कर देते, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, फिर क्या करते पता है? फिर बर्तन वाली बाई से कहें, भाई नमकीन रखा है ले जाना। बाई ने देखा तो गधा भी ना खाए,
आप ऐसा नहीं करिए, आप समय रहते उपयोगी सामग्री दे दीजिए। परिग्रह परिमाण समझ गए आपके लिए, उपयोगिता की सामग्री खान मान दूध है, कई बार दूध खराब हो जाता है तब आप बाई को दे रहे हो, बिल्कुल कड़वा ही हो गया, बिल्कुल कड़वा, तब अपन किसी को दे रहे हो, वो नहीं। फल खराब हो गए फिर दे रहे हैं आप, ये नहीं करिए। आपको पता है आप दूसरों को सड़े फल दोगे तो आपको भी सड़ा हुआ फल आएगा। सड़ा हुआ फल माने जो पुण्य का उदय आपको बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसा पाप का उदय आएगा आपको, इसका ध्यान रखें। आगे एक बहुत अच्छी बात लिखी है, उसे पढ़ लीजिए। जिस घर में सत्ता के लिए भाई भाई से लड़ता है वहाँ महाभारत मचती है, और जब भाई भाई के लिए सत्ता छोड़ता है वहाँ रामायण की रचना होती है। आप सोचिए आपको अपने घर में महाभारत प्रिय है या रामायण। डायलॉग पहले किस किस को समझ में आया, पहले आया कम लोगों को समझ में आया, मैं फिर से बोल दूं, जब भाई भाई सत्ता के लिए भाई क्या ना भाई भाई के लिए सत्ता छोड़ता है तो रामायण की रचना होती है, माने रामायण लिखी जाती है, और जब भाई सत्ता के लिए लड़ता है भाई से तो महाभारत। बोलो आपको अपने घर में किसकी रचना करनी है, समझ गए? परिग्रह के लिए लड़ाई नहीं करना अपने भाइयों से, अपने माता पिता से। फिर इसमें तीन बातें और हैं, मुझे आज इसको पूरा करना है क्योंकि कल से आप परीक्षा की तैयारी करोगे, इसलिए जल्दी से पढ़ देता हूँ। देव दर्शन, सम्यक दर्शन का निमित्त है देव दर्शन, सम्यक ज्ञान का निमित्त है शास्त्र, और सम्यक ज्ञान का निमित्त है, सम्यक चाहित का निमित्त है मुनिराज। तो हमने उन तीनों को इस तरह से जोड़ा है, देव दर्शन इस सम्यक दर्शन का निमित्त, स्वाध्याय सम्यक ज्ञान का निमित्त, और आहार दान आदि सम्यक चाहित का निमित्त, पांच अणुव्रत और रत्नत्रय के निमित्त तीन, ऐसे आठ मूल गुण बनाए अपन ने इसमें। देव दर्शन अवश्य करें बेटी, मुझे तो ये बात बहुत कहनी है आपसे, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिना ही दर्शन के खा ले, बल्कि मैं तो उन बच्चों को ढूंढ रहा हूँ जो प्रतिदिन धोई दुपट्टा पहन करके पूजा प्रक्षाल करे। है कोई भागशाली ऐसा जिसको अच्छा लगता हो पूजा प्रक्षाल करना? एक को अच्छा लगता है, वेरी गुड, दो तीन चार, वेरी गुड, अच्छा लगता है पूजा प्रक्षाल पक्का? तो एक बात पूछूं आप लोगों से, यहाँ पर कितने बच्चे रोजाना पाँच साल तक जब तक रहोगे आप, या कोटा में रहोगे या जहाँ जहाँ पढ़ोगे बांसवाड़ा में, आप धोई दुपट्टा पहन करके रोजाना पूजा प्रक्षाल करने की ट्राई करेंगे? ट्राई कह रहा हूँ, मैं ये नहीं हार्ड एंड फास्ट कह रहा हूँ, हो सकता है परीक्षा हो तो आप परीक्षा में नहीं कर पाएँ, हो सकता है आपको मॉर्निंग में कॉलेज जाना हो तो आप ना कर पाएँ, इसलिए मैं ट्राई कह रहा हूँ। यदि आप हैं स्वस्थ हैं, सुबह सुबह परीक्षा नहीं है, कॉलेज नहीं जा रहे हों, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप में से कौन कौन बच्चे फुल फैसिलिटी होने पर भगवान की पूजा और प्रक्षाल करेंगे। वेरी गुड, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे बहुत खुशी है कि आप एक नया इतिहास बनाएंगे। आने वाले बच्चों को जब देख के सीखते हो, जब अगले साल के बच्चे आएंगे, अरे सब लोग तो पूजा प्रक्षाल कर रहे, तो वो भी करेंगे, और जब बच्चे ये देखना सीख जाते हैं ना, अरे कोई करता ही नहीं है, तो आप अपने घरों पर जा करके भी नहीं करेंगे, जब गृहस्थ जीवन में होंगे तब भी नहीं करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में पूजा प्रक्षाल नियम से जरूर जरूर करें। बहुत बढ़िया जिन्होंने हाथ उठाए, बाकी लोग सोच लीजिए, कल फिर पूछ लूँगा। जिन्होंने हाथ उठाए हैं रोजाना पूजा प्रक्षाल के ट्राई करने के लिए, मैंने फिर कहा है, मैंने जरूर कठिन परिस्थितियों की नहीं कह रहा हूँ, परीक्षा में चले जाएँ तो मैं छूट दे रहा हूँ, बीमार हो जाएँ तो छूट है, लेकिन जब तक आपके पास टाइम है तो आप पूजा प्रक्षाल का प्रयास एक बार फिर से हाथ खड़े करिए ताकि ताली बजवा सके उनके लिए। चलिए अब ऐसे लोग जिन्होंने हाथ नहीं उठाए उनसे बात कर रहा हूँ। कम से कम अष्टमी चौदस महीने में चार दिन पूजा प्रक्षाल जरूर करेंगे, ऐसे बच्चे कितने हो सकते हैं? एक भी नहीं, चौदस, वेरी गुड, चौदस के लिए, ठीक, वेरी गुड, कोई भाई, चौदस के लिए। चलिए आठम चौदस, दो अष्टमी, दो चौदस, हाथ खड़े करिए, चार के लिए, दो अष्टमी, दो चौदस, वेरी गुड, चार लोगों ने हाथ खड़े करे। चलिए मात्र अष्टमी, दो अष्टमी, एक महीने में दो बार पूजन प्रक्षाल करने के लिए, वेरी गुड, दो महीने में दो बार, वेरी गुड, ठीक है, बाकी लोग तो कर ही चुके, ठीक, थैंक यू। स्वाध्याय जरूर करें, न्यूनतम कम से कम 10 मिनट का नियम जरूर ले लें,
स्वाध्याय नहीं कर पाए तो कुछ ना कुछ पाठ पढ़ें, आपको याद हो छह डाला तो याद करिए, आप पाठ पढ़िए, मैंने कम से कम स्वाध्याय करने की आदत जरूर बनाई। अंतिम है दान, वैसे तो 25% दान देना चाहिए, दी बेस्ट है 25% दान, लेकिन कम से कम 10% दान देने की आदत जरूर डालें। जैसे आपने यहाँ पर कंठ पाठ योजना में सुनाया आपको 1000 रुपये मिले, तो 10% 100 रुपीज कम से कम आप उसमें से दान का जरूर निकालिए, जिंदगी की आदत बनाइए। चार प्रकार के दान देने की आदत सीखिए, सीखिए, इसकी चर्चा मैं करूँगा कभी, अभी तो समय हो गया। दान देना सीखें और समय निकालकर दे भी। एक क्वेश्चन आने वाला है, अगली दो लाइनों में दो क्वेश्चन आने वाले हैं, एक तो अंतिम लाइन का ही है, आप रट लेना। दूसरा है, समय देकर जिनवाणी की वैयावृत्ति करें। कोई व्यक्ति ये कहेगी मेरे पास पैसा नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ तो मैं दान कैसे कर सकता हूँ, तो जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है वे भी समय देकर जिनवाणी की सेवा कर सकते हैं, मंदिर में सफाई कर सकते हैं, करुणा दान कर सकते हैं, और जो लोग दान दे रहे हैं उनकी अनुमोदना कर सकते हैं, जो लोग व्रत उपवास कर रहे हैं उनकी अनुमोदना कर सकते हैं, जो मुनि बन रहे हैं उनकी अनुमोदना कर सकते हैं, जो त्यागी व्रती बन रहे हैं उनकी अनुमोदना कर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते तो मन वचन काय से, पैसा नहीं है तो भी मंदिर में कहीं कचरा पड़ा हो आप उठा के रख दीजिए, फेंक दीजिए। ऊपर लोग दर्शन करते हैं वेदियों पर और वहाँ पर कोई चावल गिर गया, क्या गिर जाता, चिटक गिर जाती प्राय करके, आप उठा के रख दीजिए, चिंतियाँ नहीं मरेंगी। तो आप इतनी भैया वृत्ति जरूर कर सकते हैं, देव सास गुरु की भैया वृत्ति कर रहे हैं। इस तरह से अपने अष्टमूल गुण का पाठ पूरा किया, समय हो गया, जल्दी से तैयारी करिए अगली क्लास की। और जी आगे बेटे सबको दे दो एक एक पेपर, सभी लोग एक एक पेपर ले लें, संभाल के रखें, फाड़े नहीं मोड़े नहीं, फाड़े नहीं मोड़े नहीं, मिट खराब नहीं करें, फटाफट दे दीजिए सबको। दो जने टेबल लगाओ बेटे, जब तक अपन ने समय ज़्यादा कर दिया, आइए। ये तो आपका बड़प्पन है।